तो वो जो एयर ट्रांसपोर्ट हमको वो प्रोवाइड कराता है। फाइन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ कम ऑन पार्ट सेकेंड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बिकॉज बेटा इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट, बट नाउ अडेज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल एज विद द ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन रिटन विजुअल मैसेजेस आइडियाज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस। दोनों ही पर्पस से जो आइडियाज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, दैट इज वो एक सिस्टम है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज का। वो किससे हमारा सॉल्व होता है? कम्युनिकेशन से। हाउ मैनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? दैट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर टू टाइप, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। दैट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट पर्सनल कम्युनिकेशन किस लिए यूज होता है? अपने पर्सनल मैटर्स और इश्यूज सॉल्व करने के लिए, राइट? नाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर दो से ज़्यादा लोगों से हम बातचीत करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इज कॉल्ड ईमेल, लैंडलाइन, मोबाइल फोन, ओके। दैट वाय दैट इट इज अ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज बेटा घर बैठे हम अपने वर्ल्ड में किसी भी रिलेटिव से घर बैठे बात कर सकते हैं, ओके। टेलीफोन हेल्पर्स कम्युनिकेट विथ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड थैंक टू यूज ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट मीन्स जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो हमें कनेक्टिविटी देती हैं। सेटेलाइट्स हमको कनेक्टिविटी देती हैं तभी हमारे मैसेजेस सेंड और रिसीव किए जाते हैं। नाउ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीन्स ऑडियो एंड वीडियो, ओके। फर्स्ट रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सिनेमा, बुक्स एंड मैगजीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन फर्स्ट वी कैन टेक एग्जाम्पल द रेडियो। रेडियो इज यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज, करंट अफेयर्स इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितनी भी हमें न्यूज़ लेनी है, करंट स्टेटस जानना है, सोशल यूज पर बात इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? रेडियो। रेडियो प्रोग्राम्स ऑन इफेक्टिव फार्मिंग मैथड एंड प्रैक्टिस हैव सक्सेड इमेंसली इन इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। रेडियो प्रोग्राम्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम आते हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग, तो उनको जो नॉलेज मिलती है फार्मर्स के लिए इन द बेटरमेंट ऑफ द फार्मिंग, तो वो दे कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेडियो। नाउ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन लाइक टेलीविजन। टेलीविजन ऑल्सो एन इफेक्टिव मोड्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट एंड न्यूज प्रोग्राम्स, बिकॉज टेलीविजन इज अ प्रोसेस टू ऑडियो एंड वीडियो, ओके। नेक्स्ट, टूडे टेलीविजन इंजॉय अ नेवर बिफोर रीच गोइंग इन टू इवन द रिमोट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। आजकल जो टेलीविजन है वो इंजॉय भी कराता है क्योंकि उसको जो ग्रेट नेटवर्क है, हम कंट्री के किसी भी पार्ट में होकर उसको न्यूज़ को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ मीन्स ऑफ मास मीडिया मीन्स टेलीविजन। सो मैनी चैनल्स लाइक मोर दैन 300 चैनल अवेलेबल।
टेलीविजन इज कीपिंग पीपल एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्म, दोनों ही साधन है ये। नाउ कम ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन इज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्टेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स, देयर बाय सर्विंग एज अ मीडियम फॉर वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है टोटल पीसी, मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स बाय द सैटेलाइट ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी एंड दे एक्सचेंज द न्यूज, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन रिसेंटली ईयर्स विथ प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू ईयर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड लाइफ फास्टर, ईजियर एंड मोर एफिशिएंट। जो इंटरनेट ने हमारे न्यू एज को बहुत एक नई डायरेक्शन दी है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने हमारी लाइफ को फास्टर भी बनाया है, ईजियर भी एंड मोर कन्वीनियंट। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स पीपल टू यूज द इंटरनेट टू मेक एंड रिसीव टेलीफोन कॉल्स। ये इतना इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे हम घर बैठे इंटरनेट का यूज़ कर कर बहुत ही सेकंड्स में अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से बातचीत कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज कंडक्टेड वर्कशॉप, जॉब इंटरव्यूज, जॉब ट्रेनिंग एसेट्रा, एंड घर पर बैठकर ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर यू कैन से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कंप्लीट बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। प्रोग्रेस और एडवांसमेंट ने हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट बनाया है, जिससे आज हमारा वर्ल्ड उसको ग्लोबल विलेज की दिशा में जाता जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स यू विल क्लियर ऑल द डाउट्स अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।